इसके तहत हम लोग तीसरा चरण देख रहे हैं, और ये जो है स्पेशली हमारा जो होगा वो होगा जिनका समय अवधि हम लोग ये तय कर सकते हैं, इनका समय अवधि 1919 से लेकर के 1947 तक, मतलब आजादी तक। और इस चरण को हम लोग स्पेशली गांधी युग के नाम से जानेंगे, गांधी युग। ये एक्चुअल में मेरा इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है कि इस कांग्रेस आंदोलन के तीसरे चरण में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उन चीजों को जब हम लोग स्पेशली इन्हें गांधी युग के नाम से जानते हैं, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि गांधी जी 1915 में आगमन होता है साउथ अफ्रीका से, 2 साल विराम करने के बाद, है ना, 2 साल विराम करने के बाद ये सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश करते हैं और इनके द्वारा 3 आंदोलन चलाया जाता है, चंपारण, खेरा और अहमदाबाद। और याद कीजिए जब 1915 में आए तो इस समय यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध का प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध का। तो शुरुआत जो हमारा गांधी जी से होगा, तो हम लोग ए टू जेड गांधी जी के बारे में देखेंगे, जन्म कब हुआ, उनकी दीक्षा क्या हुई, कहाँ वो पढ़ने गए, बैरिस्ट्री इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए, उसके बाद वहाँ से आए, है ना, साउथ अफ्रीका में उनके साथ क्या घटना घटी, ये सभी हम लोग देखेंगे। गांधी जी को देखने के बाद हम लोग देखेंगे इस चरण में गांधी जी द्वारा 3 आंदोलन चला, इसे हम लोग देखेंगे। पहला असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इनका समय अवधि हम लोग लेंगे मान लीजिए 1920 से 22 तक। दूसरा जो चला वो विनय अवज्ञा आंदोलन, इनका समय 1930 से 34। और तीसरा आंदोलन इनके द्वारा इनके नेतृत्व में किया गया भारत छोड़ो आंदोलन, और ये 1942 में। इन सभी में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो गांधी जी के बारे में पूरा देखेंगे, उसके बाद हम लोग असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों आंदोलन की चर्चा करेंगे। लेकिन इन तीनों के पीछे क्या क्या कॉजेज थे, उन सभी को भी हम लोग को डिटेल से देखना है। और जब हम इसमें देखते हैं तो इनके अंतर्गत हमें देखना है रॉलेट एक्ट 1919 का अधिनियम, ठीक है, रॉलेट एक्ट देखेंगे, चार्टर्ड एक्ट देखेंगे। यही रॉलेट एक्ट जो है एक तरह से काला कानून के रूप में था, जिसके विरोध में जालियांवाला बाग कांड होता है, जालियांवाला बाग कांड होता है 1919 में। फिर एक खलीफा पद को समाप्त कर दिया जाता है तुर्की द्वारा, तब एक खिलाफत आंदोलन होता है मुसलमानों द्वारा, और इनके प्रमुख बने थे महात्मा गांधी, खिलाफत आंदोलन। और इन तीनों के समृद्ध रूप में एक आंदोलन चला जिनका नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया, असहयोग आंदोलन। और परिणाम स्वरूप इनका जो फिर देखना है हमें चौरा चोरी कांड, और दूसरा स्वराज दल, स्वराज दल। उनके बाद ये आंदोलन स्थगित हो जाती है। स्थगित हो जाने के बाद
ये सभी चीजों का हमें अध्ययन करना है, किन में? असहयोग आंदोलन में, जिनका नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया। फिर जो हम लोग आगे देखेंगे वो देखेंगे, है ना, इनके अंतर्गत साइमन कमीशन, एक जब चेम्सफोर्ड एक्ट आया था तो उसी में बोला गया था कि इनके समीक्षा के लिए 10 साल बाद, है ना, एक कमीशन गठित होगा, और समय से भूत पहले आ गए कमीशन, और इनमें एक भी भारतीय नहीं थे, इनमें ही लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है जो गरम दल में थे, लाला लाजपत राय की मृत्यु, इनको हमें अध्ययन, इनका हमें अध्ययन करना है। फिर चल करके हमें देखना है नेहरू रिपोर्ट 1928। फिर चल करके हमें देखना है ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1928। मतलब इस क्रम के बाद जब यहां बढ़ेंगे, इस आंदोलन को देखेंगे, मेन आंदोलन ये हुआ, लेकिन इन बीच में जो 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 घटनाएं घटी जिनके परिणाम स्वरूप ये उभरता है, उन सभी को हमें देखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हमें देखना है गांधी जी द्वारा, मेन बात गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग। फिर चल करके हमें देखना है दांडी यात्रा। उसके बाद कराची अधिवेशन, प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इन्हीं के साथ ही हमें फिर देखना है सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड पंचाट प्लस पूना पैक्ट, ये सभी हमें देखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, ठीक है। उनके बाद तीसरा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन जब चलेंगे, तो उससे पहले हम लोग देखेंगे 1937 का अंतरिम सरकार। फिर हम लोग देखेंगे अगस्त प्रस्ताव। उनके बाद हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, और फिर हम लोग देखेंगे क्रिप्स मिशन, और फाइनली फिर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन इतना देखने के बाद, ये देखिए लगभग 10-10 वर्ष के बाद, है ना, एक गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया जाता है, और इन नेतृत्व में इन सभी की भूमिका होती है, और इन सभी की भूमिका के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बाद फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिन्हें हमें देखना बिल्कुल ही अनिवार्य है। और इनके तहत फिर हम लोग देखेंगे, इनके बाद देखेंगे सीआर फॉर्मूला, फिर आजाद हिंद फौज, इनके बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बेवेल
योजना, शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन। उसके बाद फिर से एक बार देखेंगे हम लोग अंतरिम सरकार, है ना, अंतरिम सरकार। ये 1937 का अंतरिम सरकार था, ये 1946 का अंतरिम सरकार है। फिर इटली की घोषणा, प्रधानमंत्री थे इटली की घोषणा। फिर माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। और इनके बाद हमारा जो होगा वो होगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इन सब भी इतना अध्ययन हमें इस कांग्रेस के तीसरे चरण में करना है। एक तरह से इंट्रोडक्शनी क्लास में हम लोगों ने यह प्रयास किया कि इसके तहत हमें ये चीज देखना है। सबसे पहले तो हमें गांधी जी के बारे में पूरा डिटेल जानना है, ठीक है। उसके बाद हमें चंपारण, खेरा और अहमदाबाद के बारे में जानना है, और उनके द्वारा नेतृत्व, उनके नेतृत्व में किया गया आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों आंदोलन को देखना है। साथ ही साथ गांधी जी द्वारा अपनाई गई रणनीति के ऊपर विशेष चर्चा की जाएगी, ताकि गांधी जी को समझा जा सके कि गांधी जी का व्यक्तित्व क्या था और उनके बारे में क्या सोचा जा सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी वह गांधी जी के कारण नहीं हुआ। तो ये सभी डॉट को हम क्लियर करेंगे, और गांधी जी के बारे में जो भी मन में संशय है ना, वो सभी को हम दूर करेंगे। क्योंकि ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे व्यक्ति बोलते हैं, आने वाली संततियां शायद याद करेगी कि गांधी जैसा व्यक्ति इस भारत में जन्म लिया था, और पूरा विश्व गांधी जी के रास्ते को अपना रहा है, जो सत्य और अहिंसा का मार्ग के द्वारा अपना मांग परचम लहराए, और उस मांगों को आज पूरा विश्व अपना रहा है। और हम उस भारत के लोग हैं जो आज भी भारत में गांधी जी की आलोचना करते हैं, और उस आलोचना को हम लोग इस अध्याय के तहत आपके अंदर में पूरी मेरी कोशिश होगी कि गांधी जी के बारे में जो मन में संशय है, दुविधा है, उन सभी को हम दूर कर देंगे। और यदि कोई भी सवाल भी होगा गांधी जी से रिलेटेड, तो आप उन सवाल को व्हाट्सएप के थ्रू या वीडियो के थ्रू, मैसेज के थ्रू आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, और इनके तहत हम लोग ये जरूर देखेंगे। क्योंकि गांधी जी का जो नीति था वो था संघर्ष विराम संघर्ष, नीति थी वो थी संघर्ष विराम संघर्ष की। और जो क्रांतिकारी वाले थे वो थे संघर्ष संघर्ष संघर्ष। इन दोनों में फर्क है भैया, इसी को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस अध्याय के तहत हम लोग को इतना चीज देखना है। और क्रमबद्ध रूप से आप लोग को पहले रोल एक्ट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग, उससे भी पहले ये गांधी जी के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्त, उम्मीद करते हैं आप लोग को क्रमबद्ध मिल रहा होगा। आज जो विशेष हम लोग बात करेंगे वो करेंगे अभी तक जो दिया गया उस क्रम में, और थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं, कांग्रेस आंदोलन का तीसरा चरण, कांग्रेस आंदोलन का तीसरा चरण।
तीसरा चरण, इनमें जो हम लोग देखेंगे स्पेशली अभी जो देखेंगे एक तरह